बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपसेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। दर्जा है हमारा अव्वल तसोम और मैं जमात अव्वल की मौलमा हूँ। हफ्ता है हमारा 12वां। किताब है हमारी उर्दू की दर्सी किताब पहली जमात की, सफ़ा नंबर है 46-47, सबक नंबर है 8। उनवान है हमारा नज़्म काले बादल पढ़ाई वजाहत। ज़राए हैं हमारे कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप। सबक का तारुफ या सबक का खुलासा है हमारा नज़्म को पढ़कर अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के बारे में और मुख्तलिफ मौसमों के बारे में जानेंगे। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ, नज़्म को पढ़कर अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के बारे में और मुख्तलिफ मौसमों के बारे में जानेंगे। आज की अच्छी बात, हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करें उसको वापस उसकी जगह पे रखें तो वो चीज़ें हिफाजत से रहती हैं, और अगर हम अपनी चीज़ों का ख्याल करेंगे तो हम उसको देर तक इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए अपनी किताबें, खिलौने और बस्ता हमेशा हिफाजत से रखें। आज हम उर्दू अदब का काम करेंगे। उर्दू अदब में हमारा उन्वान है काले बादल। नज़्म पढ़ेंगे हम काले बादल। जैसे कि इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बारिश से पहले हर तरफ काले काले बादल छा जाते हैं और फिर बारिश होने लगती है। ये देखें, इस तस्वीर में बच्ची लुत्फ़ानंदोज़ हो रही है बारिश के मौसम पे और बहुत खुशगवार मूड में है। आज के हमारे तदरीसी मकसद है नज़्म को लय और तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। कभी भी नज़्म को सबक की तरह नहीं पढ़ते सीधा सीधा, नज़्म को हमेशा लय और तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। हमारा मायार कामयाबी है नज़्म और तबादले ख्याल किए गए नुकात को जहन में रखते हुए सवालात के जवाबात तहरीर करेंगे। मैं फिर दोहरा दूँ, नज़्म और तबादले ख्याल किए गए नुकात को जहन में रखते हुए सवालात के जवाबात तहरीर करेंगे। सबका मालूमात के चंद सवालात। पहला सवाल है, अल्लाह ताला की चंद अता करदा नेमतों के नाम बताएं। अल्लाह ताला की अता करदा चंद नेमतों के नाम बताने हैं। चश्मे, बारिश, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, सब अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें हैं। इनके अलावा आपने चंद नेमतों के नाम बताने हैं। अगला सवाल है, बारिश से पहले क्या होता है? जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने तस्वीर में बताया था कि बारिश से पहले हर तरफ काले काले बादल छा जाते हैं और सूरज उनके पीछे छुप जाता है और बहुत खुशगवार मौसम हो जाता है। तेज़ हवाएँ चलने लगती हैं बारिश से पहले। जी जनाब, अब आपने बताना है इस तस्वीर में क्या हो रहा है। इस तस्वीर में भी बारिश का समा है। ये बच्चा बहुत खुशगवार मूड में है और बारिश से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहा है और बादलों को देख रहा है कि उसके सर पे बादल आ गए हैं। और आपको मालूम है कि बहुत सारे जानदार जो हैं वो बारिश से लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। सिर्फ इंसान और बच्चे नहीं, बारिश जब होती है तो खुशी मनाते हैं। बहुत सारे जानवर, परिंदे और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकौड़े भी खुश होते हैं। आपको मालूम है, देखें सारे ये मेंढक आप तस्वीर में देख सकते हैं, कई मेंढक तालाब से बाहर आ गए हैं। जब बारिश होती है तो वो लोग तालाब से बाहर आ जाते हैं और टर्राते हैं और खूब खुशगवार अंदाज में उसको मनाते हैं बारिश को, और खूब खुश होते हैं। अब हम नज़्म की बुलंद खानी की तरफ चलेंगे, काले बादल नज़्म की तरफ। काले बादल आएंगे आकर मी बरसाएंगे। मी का मायने है बारिश, आकर बारिश बरसाएंगे। काले बादल आएंगे आकर मी बरसाएंगे, मी में लोग नहाएंगे। मी में मतलब बारिश में लोग नहाएंगे। काले बादल आएंगे गरज गरज कर आएंगे। आपको मालूम है जब बादल आ जाते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से गरज की आवाज़ आती है। और वो जब आपस में टकराते हैं उसके टकराने की वजह से बिजली चमकती है। बहुत सारे बच्चे तो गरजने से, बादल के गरजने से और बिजली के चमकने से डर जाते हैं। और बहुत सारे जब बादल गरजते हैं बहुत सारे बच्चे और ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं और शोर मचाते हैं। गरज गरज कर आएंगे बिजली को चमकाएँगे, हम भी शोर मचाएंगे काले बादल आएंगे। आपने देखा जैसे जैसे बारिश तेज़ होती रहती है बाहर जो है बच्चे शोर मचाने लगते हैं, खुश होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खुशियां मनाते हैं बारिश की। ढोल बजेगा धप धप धप, मी बरसेगा टप टप टप, हम नाचेंगे गाएंगे काले बादल आएंगे। जहाँ बेटा बारिश नहीं होती, जहाँ कहत होता है, आपको पता है अगर बारिशें ना हो तो खुराक की कमी हो जाती है, और जिन जगहों पर बारिश बहुत कम होती है, कहत होता है, वहाँ जब बारिश होती है तो लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं, एक त्यौहार की तरह से उसको मनाते हैं। ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे जानवर, परिंदे और जानदार इंसानों के अलावा भी खुशियाँ मनाते हैं जब बादल आएंगे। जैसे कि इस शेर से जाहिर है, बुलबुल गाना गाएगी, कोयल गीत सुनाएगी, मेंढक भी टर्राएंगे काले बादल आएंगे।
बुलबुल गाना गाएगी जी, बुलबुल भी खुश होगी बारिश जब होगी, और कोयल, कोयल की तो आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है, कोयल अपनी आवाज़ की वजह से ही मशहूर है, कोयल गीत सुनाएगी, मेंढक भी टर्राएंगे। मैंने आपको तस्वीर में बताया था ना कि वो लोग भी बरसात में खुश होते हैं, तालाब से बाहर आ जाते हैं और टर्राते हैं। मेंढक जो बोलता है उसको कहते हैं टर्राना, मेंढक जो आवाज़ निकालता है वो टर टर होती है। मेंढक भी टर्राएंगे, काले बादल आएंगे। आपको मालूम है बच्चों, इस नज़्म के शायर का नाम है कयूम नज़ीर। इस नज़्म के, नज़्म काले बादल के शायर का नाम है कयूम नज़ीर। अब यादा, हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। याद रखने वाली बात, आज का यादा, हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे सूरज, सूरज ना होता तो जानदार, हर जानदार के लिए मुश्किल हो जाता, इतनी सर्दी होती, बहुत सारी ऑक्सीजन नहीं मिलती, बहुत सारे पौधे नहीं उगते, बहुत मुश्किल हो जाती ज़िंदगी। तो सूरज के बगैर भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। चांद, सितारे, अल्लाह ताला ने दिन दिया है जब सूरज निकलता है काम के लिए, इंसान अपने काम करता है, जानवर अपने काम करते हैं, और रात अल्लाह ताला ने दी है वो भी एक नेमत की तरह है, आराम के लिए। हम जब दिन भर काम कर कर के थक जाते हैं तो रात में आराम करते हैं। ये बारिश, बारिश अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ कहत हो जाता है, मतलब खुराक की बहुत कमी हो जाती है, और बारिश की वजह से ही फसलें उगती हैं, पौधे उगते हैं, हमारे लिए अनाज उगता है, फल सब्जियाँ उगती हैं। अगर बारिश ना हो तो फसलें भी उगनी बंद हो जाएं और खुराक की बहुत कमी हो जाए। तो बारिश भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। बाग, बहुत सारे बाग, ये किस लिए? ये सब अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं नेमतों के तौर पे। ये सूरज, चांद, सितारे, बाग, फल, सब्जियाँ, सब चीज़ें अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें हैं, और अल्लाह ताला ने तोहफे के तौर पर दी हैं, और इनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। और अल्लाह ताला ने हमें बहार का मौसम दिया है, जिसे नेमत के तौर पे बहार का मौसम दिया है, जहाँ हर तरफ खुश रंग, फूल, पौधे, फल होते हैं, और तितलियाँ भी बागों में घूम रही होती हैं, जगह जगह तितलियाँ नजर आती हैं, फूलों पे बैठी होती हैं, जो बहुत खुशियाँ मनाती हैं। ये सब खूबसूरती, ये सब नेमतें अल्लाह ताला की अता करता है, तो इसलिए हमें इन नेमतों पर अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को पसंद करता है। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब हम घर के काम की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर एक है, खाली जगह दिए गए अल्फाज से पुर करें। ये अल्फाज दिए गए हैं आपको, इनकी मदद से आपने खाली जगह पुर करना है। अलिफ है, मी में डैश नहाएंगे, मी में डैश नहाएंगे, मी में लोग नहाएंगे कि बच्चे नहाएंगे? जी, मी में लोग नहाएंगे। बे है, हम भी डैश मचाएंगे, हम भी शोर मचाएंगे कि गुल? जी जनाब, हम भी शोर मचाएंगे। जीम है, काले डैश आएंगे, काले जानवर आएंगे या काले बादल? जी, काले बादल आएंगे। दाल है, बुलबुल डैश गाएगी, बुलबुल नज़्म गाएगी कि गाना गाएगी? जी, बुलबुल गाना गाएगी। सवाल नंबर दो है, आपने बताना है कौन कैसे बोलता है, आपने जोड़ मिलाना है कौन कैसे बोलता है। जैसे चिड़िया बोलती है चू चू चू, ये देखेंगे लाइन की मदद से मिलाया हुआ है कि चिड़िया कैसे बोलती है चू चू चू। तोता कैसे बोलता है? तोता बोलता है टैं टैं। तोता कैसे बोलता है? टैं टैं। कौवा बोलता है काय काय। कौवा कैसे बोलता है? काय काय। और मेंढक बोलता है टर टर। मेंढक कैसे बोलता है? जब भी मेंढक के बोलने को क्या कहते हैं? टर्राना। मेंढक कैसे बोलता है? टर टर। और बिल्ली तो सबको पता होगा कि बिल्ली कैसे बोलती है, बिल्ली बोलती है मियाओ मियाओ। अब हम सवाल नंबर तीन की तरफ चलेंगे, आए के तीन हम आवाज़ अल्फाज लिखें। हम आवाज़ अल्फाज लिख रहे हैं आए के, जी। अब सोचें, आए का हम आवाज़ लफ्ज़ क्या है? जो भी आखिरी दो हरूफ अगर आपके लफ्ज़ से मिलें तो वो हम आवाज़ अल्फाज बन जाते हैं। जैसे आए के हम आवाज़ अल्फाज हैं जाएं, खाएं, लाएं, ये सब हम आवाज़ अल्फाज हैं आए के। अब हम चलेंगे सवाल नंबर चार की तरफ। सवाल नंबर चार है, खुशखत लिखें। आपने खुशखत लिखना है लफ्ज़ बादल को, बुलबुल, गीत, बिजली, ये चार अल्फाज हैं। इन चारों अल्फाज को आपने खुशखत लिखना है। दायरवी हरूफ हमेशा लाइन से, लिखाई के उसूलों का ख्याल रखना है, दायरवी हरूफ हमेशा लाइन से नीचे आएंगे, गाफ और काफ की डंडियाँ जुड़ी हुई होंगी। इन लिखाई के उसूलों का ख्याल रखते हुए आपने खुशखत लिखना है। सवाल नंबर चार,
इसी के साथ आज का आखिरी मैसेज शुक्रिया के साथ कि आप जब बारिश होती है, जब मॉनसून होता है, जब बरसात का मौसम होता है, तो हमें तो अल्लाह ताला ने बेशुमार सहूलियात दी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जिनको सहूलियात मैसर नहीं है, जिनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे बहुत सारे जानदार, जैसे हमारे घरों के बाहर बिल्लियां फिर रही होती हैं, या जो जंगल या खेत या बागों में रहते हैं जानवर या परिंदे, वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पानी हो जाता है और जिसकी वजह से वो लोग मुश्किल में आ जाते हैं। तो अपने इर्द गिर्द का, अपने आसपास का, अपने करीब लोगों का और जानदारों का ख्याल करना है। इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।